निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। पानी बिजली के लिए हाहाकार, बार बार चेतावनी के बाद भी शासन प्रशासन सोता रहा और अंततः जब सोमवार को विद्युत कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार कर दिया तो प्रशासन की पूरी व्यवस्था ध्वस्त साबित हुई। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस गए। हालांकि जिला अधिकारी सुशील कुमार पटेल एडीएम यूपी सिंह के साथ विभिन्न बिजली केंद्रों का चक्रमन में कर व्यवस्था को संभालने में लगे रहे। सोमवार की सुबह जब तक काम चलता रहा तब तक तो विद्युत आपूर्ति सामान्य रही, लेकिन दोपहर होते ही पूरी व्यवस्था धड़ाम हो गई। भीषण गर्मी व उमस के चलते एक तो वैसे ही गर्मी, वहीं दूसरे बिजली कट जाने से यह कष्ट दुगना हो गया। बाहर तेज धूप व अंदर भयंकर उमस में ऐसे में बच्चे व महिलाएं बिल बिलाने लगे। लोगों के घरों में लगा इन्वर्टर भी जवाब दे गया। सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को हुआ जो भीषण गर्मी में उमस का सामना करते हुए किचन में काम करती रही। कल सुबह तक लोगों को पानी मिल गया था, लेकिन शाम को नगर के लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विद्युत विभाग के कर्मचारी सोमवार की सुबह 10 बजे से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए। पटहा स्थित पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में जुटे कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। हम लोग 1 सितंबर से ही निजीकरण के विरोध में लगातार पहले 4 से 5, उसके बाद 28 तारीख को मसाल जुलूस का कार्यक्रम था। हम लोग यहाँ से मसाल जुलूस लेके उठे। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, ये लोग मिले। उन्होंने कहा कि आप पूरे शहर में मसाल जुलूस उठाइएगा, भीड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। हम लोग मसाल जुलूस फतहा से निकाले, रोड पे होते हुए फिर यहाँ पे समाप्त कर दिए। उसी बीच में हम लोग को सूचना मिली कि मेरे लखनऊ के जो पदाधिकारी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करिए। हम लोग यहाँ से इकट्ठा होकर शहर कोतवाली गए। शहर कोतवाली जाने के बाद वहाँ हमने जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन उसी बीच में एक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में चला और आधे घंटे के अंदर जो मेरे संघर्ष समिति के सुरेंद्र दुबे जी संयोजक हैं उनको रिहा कर दिया गया, तो हम लोग वापस चले गए। फिर हम लोगों ने चेयरमैन से, इसके पहले ऊर्जा मंत्री से कई बार कहा कि निजीकरण न हो, और निजीकरण से उपभोक्ताओं को असुविधा होगी, कर्मचारियों को असुविधा होगी, सरकार को असुविधा होगी। सन 2018 में ऊर्जा मंत्री से और संघर्ष समिति के बीच एक फैसला हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि निजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई दिक्कत आती है तो संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को साथ में लेके, अधिकारियों को साथ में लेके, उनकी सहमति लेके ही किया जाएगा। लेकिन मनमानी तरीके से ये जो है निजीकरण उचित तरीके से टेंडर किया जा रहा है। कल जो है ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि जो है निजीकरण नहीं होगा, लेकिन चेयरमैन ने उसके लिए 2-3 दिन का समय मांगा और उनकी हठवाता नीति के कारण जो है संघर्ष समिति के जो है पदाधिकारी जो है उनने निर्णय लिया जब तक निजीकरण समाप्त नहीं किया जाता है, निजीकरण की कार्यवाही टेंडर खत्म नहीं किया जाता है, मेरे कर्मचारी 10 से 5 कल का बहिष्कार करेंगे। और 10 से 5 कल कार बहिष्कार किए हम लोग। डीएम साहब ने पूरे जनपद की बिजली व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है, लेखपालों को लगाया गया है, पुलिस वालों को लगाया गया है, लेकिन व्यवस्था चल नहीं पा रही है। पूरा शहर, पूरा मिर्जापुर शहर के उपभोक्ता सारे बौखलाए हुए हैं, बिजली उनको मिल नहीं पा रही, पानी नहीं मिल पा रही है। मेरा इस आपके माध्यम से, इस संघर्ष समिति के मंच के माध्यम से मेरी ऊर्जा मंत्री से अपील है, चेयरमैन से अपील है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द करें और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली व्यवस्था दिया जा सके, कर्मचारी स्वभावपूर्ण वातावरण में काम कर सके। अभी कितने दिन आप लोगों का ये चलेगा? आज भी वार्ता होने वाली है वहाँ पे संघर्ष समिति की। यदि वार्ता में सकारात्मक निर्णायक स्थिति आ जाती है तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा।